नमस्कार। हम सब इस सत्र का आरंभ श्री मां के स्मरण के साथ और शांति मंत्र के साथ करेंगे। सावित्री पर्व 9 सर्ग 2 पृष्ठ नंबर 586 द जर्नी इन द इटर्नल नाइट एंड द वॉइस ऑफ द डार्कनेस। शाश्वत रात्रि में यात्रा और अंधकार की वाचा। अभी तक हमने देखा कि सत्यवान की मृत्यु के पश्चात यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर अंधकारमय महाशून्य की ओर बढ़ते हैं। सावित्री उनका पीछा करती हैं। यमराज सावित्री को धरा पर वापस लौटने के लिए कहते हैं, परंतु सावित्री उनके आदेश को नहीं मानती और उनका पीछा करती रहती हैं। अंततः वे तीनों शाश्वत रात्रि के प्रदेश में प्रवेश कर जाते हैं। यह क्षेत्र मृत्यु का क्षेत्र है। यहाँ पर कुछ भी शेष नहीं रहता है। यहाँ समय और आकाश, टाइम एंड स्पेस दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। यहाँ विचार भी समाप्त हो जाते हैं। मन और प्राण शक्तिहीन हो जाते हैं और आत्मा भी अपने को अनुभव नहीं कर पाती है। यह शाश्वत शून्य का क्षेत्र है। यह शाश्वत शून्य सभी कुछ नकार देता है। यह सत्य, भगवान, आत्मा, प्रेम, ज्ञान और आनंद इत्यादि सभी को नकारता है। सावित्री इस अंधकार में खो जाती हैं। उन्हें ना तो कुछ दिखाई देता है और ना ही कोई सुझाई देता है। और इस भयानक विस्तार में सावित्री की आंखों से यम और सत्यवान दोनों ही ओझल हो जाते हैं। परंतु इस प्रकार की परिस्थिति में भी सावित्री की आत्मा हारती नहीं है। और तब वहां इस घोर अंधकार में एक ज्योति प्रकट होती है। यह ज्योति एक ज्योतिर्मय शाश्वतता के स्रोत से आई है। यह मंद है, हल्की है, परंतु अविनाशी है। महारात्रि उस कमजोर और खतरनाक किरण को बुझाने का प्रयास करती हैं, परंतु वह उसमें सफल नहीं हो पाती हैं। इस ज्योति के प्रभाव से सावित्री एक बार पुनः अपने उद्देश्य के प्रति सतेज हो जाती हैं
और सावित्री को एक बार पुनः सत्यवान का ज्योतिर्मय रूप दिखाई देने लगता है। इस अविनाशी ज्योति से आहत होकर घोर रात्रि एक प्राणघातक गर्जन करती है, परंतु सावित्री उसका कोई उत्तर नहीं देती है। यहां तक हमने पिछली बार पढ़ लिया था और हम अब आगे प्रारंभ करेंगे। यहां से हम पृष्ठ नंबर 586 पर हैं, पंक्ति नंबर 11 पर। तो इस वाणी के पश्चात सावित्री एक बार अपनी ओर ध्यान करती हैं। इन हर बिगिनिंगलेस इन्फिनिटी थ्रू हर सोल्स रीचेस अनकन्फाइंड शी गेज्ड, शी सॉ द अनडाइंग फाउंटेन्स ऑफ हर लाइफ, शी न्यू हर सेल्फ इटर्नल विदाउट बर्थ। तो जो सावित्री हैं वो अपनी जो आत्मा है उसके विस्तारों से में देखती हैं, और वहां वो देखती हैं कि वो अनादि अंतता अनंतता जहां से उनका जन्म हुआ है। इन हर बिगिनिंगलेस इंफिनिटी थ्रू हर सोल्स रीचेस अनकन्फाइंड शी गेज्ड, शी सॉ द अनडाइंग फाउंटेन्स ऑफ हर लाइफ, और वह अपने जीवन के उन स्रोतों को देखती हैं जहां से उनका जन्म हुआ है। शी न्यू हर सेल्फ इटर्नल विदाउट डेथ, और सावित्री अपने को शाश्वत और अजन्मा जानती हैं। इन हर बिगिनिंगलेस इन्फिनिटी थ्रू हर सोल्स रीचेस अनकन्फाइंड शी गेज्ड, शी सॉ द अनडाइंग फाउंटेन्स ऑफ हर लाइफ, शी न्यू हर सेल्फ इटर्नल विदाउट बर्थ। और इसके पश्चात जो एक बार पुनः मृत्यु गरजती है, वह सावित्री को डराकर अथवा सावित्री को मनुष्य के जीवन के विषय में बताकर कि यह जीवन व्यर्थ है, सावित्री को वापस लौट जाने के लिए कहती है। तो सबसे पहले मृत्यु सावित्री की आंखों में अपनी दृष्टि डालती है इस प्रकार से कि उसको भयभीत करने के लिए। बट स्टिल अपोजिंग हर विद एंडलेस नाइट, डेथ द डायर गॉड इन्फ्लिक्टेड ऑन हर आईज द इमॉर्टल काम ऑफ हिज ट्रेमेंडस गेज। तो यह जो मृत्यु है वो किस प्रकार की है? द डायर गॉड, एक भीषण देव है वो, और वह अभी भी उसका विरोध कर रही है सावित्री का। बट स्टिल अपोजिंग हर विद एंडलेस नाइट, डेथ द डायर गॉड इन्फ्लिक्टेड ऑन हर आईज द इमॉर्टल काम ऑफ हिज ट्रिमेंडस गेज। तो उसकी दृष्टि कैसी है? वो भयावह दृष्टि है, और उसमें एक अमर प्रशांति है, इमॉर्टल काम, अर्थात वो बिल्कुल तटस्थ और निर्मम शांति उसके नेत्रों में है और सावित्री के ओर देखती हैं, एक प्रकार से सावित्री को के ऊपर प्रहार करती हैं। बट स्टिल अपोजिंग हर विद एंडलेस नाइट, डेथ द डायर गॉड इन्फ्लिक्टेड ऑन हर आईज द इमॉर्टल काम ऑफ हिज ट्रिमेंडस गेज। वो सावित्री से कहती हैं, although thou hast survived the unborn void which never shall forgive while time endures the primal violence that fashioned thought forcing the immobile vast to suffer and live, this sorrowful victory only hast thou won to live for a little
विदाउट सत्यवान। तो यह जो वाणी है सावित्री से क्या कहती है, ऑल दो दाउ हैज सर्वाइव द अनबॉर्न वॉइड। तो यह शून्य कैसा है, यह अजन्मा शून्य है। और वो वाणी सावित्री से कह रही है कि यद्यपि इस अजन्मे शून्य में तू जीवित है, परंतु तूने क्या पाया है, वो उसका वर्णन करती है। परंतु इससे पहले यह शून्य कैसा है, ऑल दो दाउ है सर्वाइव द अनबॉर्न वॉइड विच नेवर शेल फॉरगिव वाइल टाइम इंड्यूस द प्राइमल वॉयलेंस दैट फैशन थॉट फोर्सिंग द इमोबाइल वास टू सफर एंड लिव। तो यह शून्य कैसा है कि जब तक काल का अस्तित्व रहने वाला है, वाइल टाइम इंड्यूस, तब तक यह शून्य उस आदि हिंसा का, द प्राइमल वॉयलेंस दैट फैशन थॉट, उस आदि हिंसा का जिसने विचार को रूपायित किया है और फोर्सिंग द इमोबाइल वास्ट टू सफर एंड लिव, और इस अचल विस्तार को जीने और दुखी होने के लिए बाध्य किया है, यह शून्य उसको क्षमा नहीं करेगा। तो ये इस प्रकार का शून्य है, ऑल दो दाउ हैज सर्वाइव द अनबॉर्न वॉइड विच नेवर शेल फॉरगिव वाइल टाइम इंड्यूस द प्राइमल वॉयलेंस दैट फैशन थॉट फोर्सिंग द इमोबाइल वास टू सफर एंड लिव, दिस सोरोफुल विक्ट्री ओनली हैज दाउ वन टू लिव फॉर ए लिटल विदाउट सत्यवान। तो ये क्या कह रही है कि हे सावित्री, तूने एक छोटी जीत हासिल की है, परंतु यह विजय दुखपूर्ण है, दिस सोरोफुल विक्ट्री। और वो सोरोफुल क्यों है, क्योंकि तू सत्यवान के बिना जीवित है। तो सत्यवान के बिना यह जो तुम्हारी जीत है, यह जो दुखपूर्ण विजय है, यह तूने पाई है, लेकिन यह केवल कुछ समय के लिए ही है। Although thou hast survived the unborn void, which never shall forgive, while time endures, the primal violence that fashion thought, forcing the immobile vast to suffer and live, this sorrowful victory only hast thou won to live for a little without Satyavan. तो यह जो विजय है, तेरी दुखपूर्ण विजय है, और ये केवल कुछ ही समय के लिए है। फिर वो आगे सावित्री से कहती है, What shall the ancient goddess give to thee who helps thy heart beats? कहते वो देवी, वो पुरातन देवी जो तुझे जीवन देती है, which helps thy heart beats, वो तुझे क्या दे सकती है? What shall the ancient goddess give to thee who helps thy heart's beats? Only she prolongs the nothing dreamed existence and delays with the labor of living thy eternal sleep. तो कहते हैं कि वो जो देवी है, वो केवल तेरे जो स्वप्निल अस्तित्व है, या जो तेरा अस्तित्व है, ड्रीम्ड एग्जिस्टेंस, जो स्वप्न के समान है, केवल उसको लंबा कर देती है, दीर्घ कर देती है। और किस प्रकार से, विद द लेबर ऑफ लिविंग दाय इटर्नल स्लीप। तो यह जो है, जीने के श्रम को बढ़ाकर जो तेरा अंत है, जो तेरी शाश्वत निद्रा है, उसको टाल देती है। तो अर्थात केवल यह तेरी मृत्यु को तनिक टाल सकती है। What shall the ancient goddess
give to thee, who helps thy heart beats. Only she prolongs the nothing dreamed existence and delays with the labor of living thy eternal sleep. तो वह केवल जीने के श्रम को थोड़ा सा बढ़ाकर तेरी जो मृत्यु है, जो शाश्वत निद्रा है, उसको कुछ टाल देती है। अब इसके बाद जो है वह वाणी एक दूसरा रूप लेती है और वह सावित्री के समक्ष जो मनुष्य का जो जीवन है उसकी निरर्थकता को, उसकी यूजलेसनेस को प्रकट करती है, उसकी क्षणभंगुरता को उसके सामने रखती है और फिर सावित्री से वापस लौटने के लिए कहती है। अब जो इन पंक्तियों में हमारे सामने जो मृत्यु ने विचार रखे हैं मनुष्य जीवन के प्रति, ये एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है, परंतु इनके पीछे एक मूल भाव है, एक सत्य है जिसके ऊपर ये आधारित है। वो भाव क्या है कि यदि हम ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, यदि हम आत्मा में विश्वास नहीं रखते, यदि हम आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं रखते, तो हम मनुष्य के जीवन को कैसे देखेंगे। और ये भाव कई बार हम आपस में भी प्रकट करते हैं, कई बार चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, तो इसी प्रकार के जो विचार हैं हमारे सामने प्रकट होते हैं। तो इसलिए ये हमारे मन की स्थिति को प्रकट करते हैं, परंतु इनका आधार क्या है? इनका आधार है कि ईश्वर में और आत्मा में जब विश्वास नहीं होता तो इस प्रकार के विचार प्रकट होते हैं। ये जो वाणी है सावित्री से क्या कह रही है, पंक्ति नंबर 28, ए फ्रेजाइल मिरेकल ऑफ थिंकिंग क्ले आर्म्ड विद इल्यूजन्स वॉक्स द चाइल्ड ऑफ टाइम। तो मनुष्य का एक सुंदर चित्रण है, ए फ्रेजाइल मिरेकल ऑफ थिंकिंग क्ले। तो मनुष्य एक माटी से बना हुआ है और कौन सी माटी, जो मननशील है, अर्थात मनुष्य चिंतन कर सकता है। मिरेकल है, वो एक आश्चर्य है कि मनुष्य इस धरा पर किस प्रकार से उत्पन्न हो गया है। फ्रेजाइल क्योंकि वो क्षणिक है, वो समाप्त हो जाता है समय के साथ। ए फ्रेजाइल मिरेकल ऑफ थिंकिंग क्ले आर्म्ड विद इल्यूजन्स, परंतु वह भ्रमों से भरा हुआ है, इल्यूजन से भरा हुआ है और वह इस धरा पर चलता है। काल का शिशु है क्योंकि उसे किसने रचा है, उसको समय ने रचा है। तो यह मनुष्य का चरित्र है, ए फ्रेजाइल मिरेकल ऑफ थिंकिंग क्ले आर्म्ड विद इल्यूजन्स वॉक्स द चाइल्ड ऑफ टाइम। और यह जो मनुष्य है क्या करता है, तो मृत्यु क्या कह रही है सावित्री से कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु मनुष्य अपने चारों ओर जो व्याप्त शून्य है उससे भयभीत होकर भगवान की कल्पना कर देता है। अर्थात भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, भगवान केवल मनुष्य की एक कल्पना है। और यह विचार हमने कई बार कई लोगों से सुना होगा, टू फिल द वॉइड अराउंड ही फील्स एंड ड्रेड्स, टू फिल द वॉइड अराउंड ही फील्स एंड ड्रेड्स, द वॉइड ही केम फ्रॉम एंड टू विच ही गोज, ही मैग्निफाइज हिज सेल्फ एंड नेम्स इट गॉड। तो ये जो मनुष्य है अपने चारों ओर एक शून्य को अनुभव करता है और उससे वह भयभीत रहता है,
टू फिल द वॉइड अराउंड ही फील्स एंड ड्रेड्स द वॉइड ही केम फ्रॉम एंड टू विच ही गोस। और इसी शून्य से वो उत्पन्न हुआ है और इसी में लौट जाता है। तो ये जो शून्य उसके चारों ओर है, जिससे वह उत्पन्न हुआ है, जिसमें वो अंततः लौट जाता है, जिससे वह भयभीत है, उसके कारण यह अपने को वर्धित करके भगवान का नाम दे देता है। ही मैग्निफाइज हिज सेल्फ एंड नेम्स इट गॉड। तो वह अपनी सत्ता को ही वर्धित करके उसको भगवान का नाम दे देता है। अर्थात हम देखते हैं कि भगवान की अगर हम देखें जो कल्पनाएं हैं, वो बहुत कुछ ऐसी कल्पनाएं हैं कि एक महामानव के समान है। अर्थात यदि मनुष्य विकसित हो, अच्छा हो, तो वो किस प्रकार का होगा, तो वो जो भगवान है उसमें वही सब गुण हमें दिखाई देते हैं जो मनुष्य के ही एक उन्नत और उदात्त गुण है। तो यह मनुष्य की एक कल्पना मात्र रहती है। टू फिल द वॉइड अराउंड ही फील्स एंड ड्रेड्स द वॉइड ही केम फ्रॉम एंड टू विच ही गोस ही मैग्निफाइज हिज सेल्फ एंड नेम्स इट गॉड। तो यह जो भगवान है वो केवल एक कल्पना मात्र है जो मनुष्य अपने चारों ओर व्याप्त शून्य से भयभीत होकर रचता है। He calls the heavens to help his suffering hopes। और मनुष्य स्वर्ग की ओर क्यों देखता है? जब वो देखता है कि जो उसकी आशाएं हैं और वो पूर्ण नहीं होती, उन अपूर्ण रहने वाली आशाओं से जब वह पीड़ित होता है, तो वह सहायता के लिए स्वर्ग की ओर देखता है। He calls the heavens to help his suffering hopes। और फिर कि यह जो एक नभ है, आकाश है, जो बिल्कुल रिक्त है, जहां कुछ भी स्थित नहीं है, उसको वो दिव्य शक्तियों से भर देता है। उसमें कई प्रकार की शक्तियों की वो कल्पना कर लेता है, ऐसा वो व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। ही सीज अबव हिम विद ए लॉन्गिंग हार्ट। तो वो ऊपर की ओर देखता है और उसका हृदय में चाहत भरी हुई है। तो आशा से, चाहत से वो आकाश की ओर देखता है, स्वर्ग की ओर देखता है। ही सीज अबव हिम विद ए लॉन्गिंग हार्ट बेयर स्पेसेस मोर अनकॉन्शियस देन हिमसेल्फ। परंतु वह आकाश कैसा है? वह रिक्त है, बेयर स्पेसेस, और वह उससे भी कहीं अधिक अचेत है। अर्थात मनुष्य तो फिर भी उसमें चेतना है, चेतना का एक उन्नत अंश है, परंतु यह जो आकाश है यह पूर्णतः अचेत है। बेयर स्पेसेस मोर अनकॉन्शियस देन हिमसेल्फ दैट हैव नॉट इवन हिज प्रिविलेज ऑफ माइंड। जो मनुष्य है वो सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि उसके पास मन है, मन उसका एक विशेष अधिकार है। परंतु यह जो आकाश है उसके पास वह मन भी नहीं है। बेयर स्पेस इज मोर अनकॉन्शियस देन हिमसेल्फ दैट हैव नॉट इवन हिज प्रिविलेज ऑफ माइंड एंड एम्प्टी ऑफ ऑल बट देयर अनरियल ब्लू। और उनमें अपनी एक नीलिमा जो है, नीला जो रंग है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो ये आकाश की कल्पना कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। एंड पीपल्स देम विद ब्राइट एंड मर्सीफुल पावर्स।
और मनुष्य क्या करता है, इस आकाश को दीप्त, ज्योतिर्मय, प्रकाशमान और दयालु शक्तियों से भर देता है। दूसरे शब्दों में वो वाणी सावित्री से क्या कह रही है कि ये जितनी दिव्य शक्तियां मनुष्य जिनकी कल्पना करता है वो सब कल्पना मात्र हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। He sees above him with a longing heart bare spaces more unconscious than himself that have not even his privilege of mind and empty of all but their unreal blue and peoples them with the bright and merciful powers। तो ये मनुष्य जो है इस रीते आकाश को इन शक्तियों से अपनी कल्पना से भर देता है। और मनुष्य ऐसा क्यों करता है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति के समक्ष असहाय है, उससे भयभीत है। उस भय के कारण वो इन भगवान की और देवों की कल्पना करता है। फॉर द सी रोर्स अराउंड हिम एंड अर्थ क्वेक्स बीनीथ हिज स्टेप्स, क्योंकि उसके चारों ओर समुद्र गरजता है और उसके पांवों के नीचे धरा डोलती है। फॉर द सी रोर्स अराउंड हिम एंड अर्थ क्वेक्स बीनीथ हिज स्टेप्स एंड फायर इज एट हिज डोर्स, और जैसे जंगल में आग लगती है और यदि कोई जंगल में किसी का घर है तो वो आग उसके घर तक आ जाती है। तो इसी प्रकार से यह जो आग है उसके घर तक पहुंच गई है। एंड डेथ प्राउल्स बेइंग थ्रू द वुड्स ऑफ लाइफ, और जो मृत्यु है वो मनुष्य की और सदा उसके ये जो जीवन है, ये जो जीवन रूपी जंगल है उसमें मृत्यु जो है एक शिकारी कुत्ते के समान घूमती रहती है, भौंकती रहती है और उसको निगलने के लिए तत्पर रहती है। तो यह जो है मनुष्य की स्थिति है, और इस भय के कारण वो भगवान की और देवों की कल्पना करता है। फॉर द सी रोर्स अराउंड हिम एंड अर्थ क्वेक्स बीनीथ हिज स्टेप्स एंड फायर इज एट हिज डोर्स एंड डेथ प्राउल्स बेइंग थ्रू द वुड्स ऑफ लाइफ। तो इस प्रकार मनुष्य जो है भय के कारण इनकी कल्पना करता है, और ये जो सत्ताएं हैं इसको जो है मनुष्य महिमा मंडित कर देता है। परंतु ये सत्ताएं कैसी हैं, अतोषणीय हैं, इनको हम किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं कर सकते। ये जो शक्तियां होती हैं ये भगवान की के संकल्प के अनुसार चलती हैं, ये मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं चलती हैं, और इसलिए मनुष्य इनसे कुछ भी प्रार्थना करता रहे वो उनको संतुष्ट नहीं कर सकती हैं। मूव्ड बाय प्रेजेंसेस विथ विच ही यर्न्स ही ऑफर्स इन इम्प्लेकेबल श्राइन्स हिज सोल। तो इन अदृश्य सत्ताओं से जो मनुष्य चालित है, जिनसे वह याचना करता है, उनके मंदिरों में यह अपनी आत्मा को समर्पित कर देता है। अर्थात इसने उनके लिए मंदिर बना दिए हैं और उस मंदिर में यह अपने आप को समर्पित कर देता है। मूव्ड बाय द प्रेजेंसेस विथ विच ही यर्न्स ही ऑफर्स इन इम्प्लेकेबल श्राइन्स हिज सोल एंड क्लोथ्स ऑल विद द ब्यूटी ऑफ हिज ड्रीम्स, और उन सबको वह सुंदर वस्त्र पहना देता है। और वो वस्त्र किस प्रकार के हैं,
उसके स्वप्नों से ही निर्मित होते हैं। अर्थात मनुष्य इन शक्तियों के, जिनसे वो याचना करता है, इन अदृश्य सत्ताओं का, को मंदिर में प्रतिष्ठित कर देता है और फिर उनको कल्पना रूपी वस्त्र और सुंदर वस्त्र पहना देता है। मूव्ड बाय द प्रेजेंसेस विद विच ही यर्न्स, ही ऑफर्स इन इम्प्लेकेबल शाइन्स हिज सोल एंड क्लोथ्स ऑल विद द ब्यूटी ऑफ हिज ड्रीम्स। और इन देवों ने मनुष्य के साथ क्या किया है, वो किस प्रकार का व्यवहार मनुष्य से करते हैं। द गॉड्स हु वॉच द अर्थ विद स्लीपलेस आईज एंड गाइड इट्स जायंट स्टम्बलिंग्स थ्रू द वॉइड हैव गिवन टू मैन द बर्डन ऑफ हिज माइंड। अब ये जो देव हैं, ये बिना पलक झपके हुए धरती पर दृष्टि रखते हैं। क्यों दृष्टि रखते हैं? क्योंकि इस धरा की जो लड़खड़ादी गति है उसका ये मार्गदर्शन करते हैं। द गॉड्स हु वॉच द अर्थ विद स्लीपलेस आईज एंड गाइड इट्स जायंट स्टम्बलिंग्स थ्रू द वॉइड हैव गिवन टू मैन द बर्डन ऑफ हिज माइंड। और उन्होंने ही मनुष्य को एक मन प्रदान किया है जो उसका बोझा है, और इसी मन के कारण मनुष्य जीवन भर श्रम करता रहता है, कभी संतुष्ट नहीं होता और वह हमेशा उसको अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए श्रम करता रहता है। इन हिज अनविलिंग हार्ट दे हैव लिट देयर फायर्स एंड सोन इन इट इनक्यूरेबल अनरेस्ट। और उसके हृदय में, एक जड़ हृदय में, उन्होंने कामनाओं की अग्नि प्रज्वलित कर दी है। और ये अग्नि किसकी है? लिट देयर फायर्स, ये उनके द्वारा प्रज्वलित की गई अग्नि है। एंड सोन इन इट इनक्यूरेबल अनरेस्ट, और इस अग्नि से, इन कामनाओं से उसके अंदर एक ऐसी अशांति रोपित कर दी है जिसको कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अर्थात इस मन के कारण और हमारे हृदय में उठने वाली कामनाओं के कारण मनुष्य कभी भी शांति प्राप्त नहीं करता। द गॉड्स हु वॉच द अर्थ विद स्लीपलेस आईज एंड गाइड इट्स जायंट स्टम्बलिंग्स थ्रू द वॉइड हैव गिवन टू मैन द बर्डन ऑफ हिज माइंड। इन हिज अनविलिंग हार्ट दे हैव लिट देयर फायर्स एंड सोन इन इट इनक्यूरेबल अनरेस्ट। यह मनुष्य का जो वर्णन है और कर रहे हैं, ये वाणी सावित्री को बता रही है कि मनुष्य किस प्रकार का है। हिज माइंड इज ए हंटर अपॉन ट्रैक्स अननोन। अर्थात मनुष्य जो है एक अज्ञात पथ पर भटक रहा है, एक अज्ञात पथ का वो खोजी है। हिज माइंड इज ए हंटर अपॉन ट्रैक अननोन, अर्थात उसको पता नहीं कहां जाना है और वो बढ़ता जा रहा है। अम्यूजिंग टाइम विद वेन डिस्कवरी ही डीपन्स विद थॉट द मिस्ट्री ऑफ फेट। वो अपने व्यर्थ के आविष्कारों से काल का मनोरंजन करता है। अर्थात काल के लिए जो मनुष्य ने इतने सारे अन्वेषण किए हैं, इतनी सारी रचनाएं की हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है क्योंकि सब समाप्त हो जाने वाला है। ही डीपन्स विद थॉट द मिस्ट्री ऑफ हिज फेट, और वो अपने जो भाग्य है उसके रहस्य को बहुत अधिक गूढ़ बना देता है। परंतु उसका भाग्य जो है बहुत ही सिंपल है,
क्या भाग्य है मनुष्य का? बहुत ही सिंपल है, ही इज बॉर्न, ही लिव्स एंड डाइज। वो जन्म लेता है, जीता है और मर जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो उसका जीवन जो है निरर्थक है, उसका कोई मतलब नहीं है। यह मृत्यु सावित्री से कह रही है। परंतु मनुष्य क्या करता है, उस नियति को एक बहुत गहरा मतलब दे देता है अपने जीवन को, और वह उस मार्ग पर दौड़ता रहता है। His mind is a hunter upon tracks unknown, amusing time with vain discovery. He deepens with thought the mystery of his fate and turns to song his laughter and his tears. और इस मार्ग पर जो उसे सुख और दुख मिलते हैं उनको वो एक गीत के समान सहन करता है। तो ये जो है मनुष्य का जीवन है। वो कहते हैं आगे कि ये जो मनुष्य है इसकी चाह कभी तृप्त नहीं हो सकती, क्योंकि उसने उसको ऐसा मन दिया है उन देवों ने कि वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। His mortality waxing with the immortal's dream. अब ऐसा क्यों होता है कि हम कभी संतुष्ट क्यों नहीं होते? His mortality waxing with the immortal's dream. उसका जो स्वप्न है वो अमरता का स्वप्न है और वो स्वयं नश्वर है, अर्थात वो कभी अमर नहीं हो सकता है, और इस कारण वो सदा ही प्रताड़ित रहने वाला है, पीड़ित रहने वाला है। His mortality waxing with the immortal's dream, troubling his transience with the infinite's breath, they gave him hungers which no food can fill. और ये जो मनुष्य है ये ट्रांजिएंट है, क्षणिक है, परंतु उसको उसके हृदय में जो है अनंत की चाह भर दी है और उससे वह पीड़ित है, और ये एक ऐसी भूख है जिसको कोई भी भोजन तृप्त नहीं कर सकता। अर्थात मनुष्य जो है सीमित है, अनंत की चाह करता है और वह कभी उसको नहीं पा सकता, अर्थात मनुष्य सदा ही दुखी रहने वाला है, असंतुष्ट रहने वाला है। His mortality waxing with the immortal's dreams, troubling his transience with the infinite's breath, they gave him hungers which no food can fill. He is the cattle of the shepherd gods. उसकी स्थिति कैसी है मनुष्य की? वो केवल जो गडेरिया रूपी देव हैं, चरवाहे, उनके द्वारा हांके जाने वाला एक पशु मात्र है। अर्थात उसके जीवन को जो चला रहा है वो ये देव हैं, और जिस राह पर वो ले जाना चाहते हैं वो उसको ले जाते हैं। वो एक पशु के समान उनके पीछे पीछे चलता रहता है। ही इज द कैटल ऑफ द शेफर्ड गॉड्स। हिज बॉडी द टीथर with which he is tied. उसकी जो देह है वो घूंटा है जिससे वह बंधा हुआ है। जैसे हम किसी पशु को किसी खूंटे से बांध देते हैं, उसी प्रकार यह जो मनुष्य है वो एक देह से बंधा हुआ है। His body the tether with which he is tied. They cast for fodder grief and hope and joy. और ये देव क्या करते हैं उस पशु के लिए जो कि अपनी देह से बंधा हुआ है, चारे के रूप में, भोजन के रूप में उसको दुख, सुख और आशा ये परोसते रहते हैं। They cast for fodder grief and hope and joy. His pasture ground
दे हैव फेंस्ड विद इग्नोरेंस। अब पैश्चर ग्राउंड क्या है? वो चरागाह है जहां पर पशु चरता है। तो ये जो मनुष्य का जो क्षेत्र है जहां वो कार्य करता है, उसको उन्होंने एक बाड़ से बांध दिया है, और वो बाड़ किस चीज की है? अज्ञान की है। अर्थात जिस क्षेत्र में वो घूम रहा है, जिस क्षेत्र में वो चर रहा है, जीवन जी रहा है, वो केवल अज्ञान का क्षेत्र है, अज्ञान से घिरा हुआ है, बंद है। His body the tether with which he is tied, they cast for fodder grief and hope and joy, his pasture ground they have fenced with ignorance। और वो वाणी कहती है सावित्री से कि जो मनुष्य है इसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, मात्र मृत्यु ही उसका अंत है। इनटू हिज फ्रेजाइल अनडिफेंडेड ब्रेस्ट दे हैव ब्रीथ ए करेज दैट इज मेट बाय डेथ। तो ये जो उसका हृदय है जो कि फ्रेजाइल है, भंगुर है, उसमें उन्होंने एक ऐसा साहस भर दिया है जिसका अंत मृत्यु है। In his fragile, undefended breast, they have breathed a courage that is met by death. They have given a wisdom that is mocked by night. उन्होंने एक ऐसा ज्ञान दिया है, वो उसका उपहास करती है। अर्थात उसका जो ज्ञान है, वो अज्ञान के समान ही है। वो कैसा ज्ञान है कि मनुष्य जिसको विजडम मानता है, जिसको प्रज्ञा समझता है, वो केवल एक सतही तर्क द्वारा बनाया गया एक रचना है। वो जो कुछ देख रहा है उसकी तर्क द्वारा अगर वो व्याख्या करना जान जाता है तो वो उसको ज्ञान कह देता है। और चूंकि यह सब उस पर आधारित है जो दिखाई देता है, जो दिखाई नहीं देता उसका इसमें कोई भी रोल नहीं रहता, उसके ऊपर ये आधारित नहीं होता, और इस कारण मनुष्य जो है हमेशा ही संशय में रहता है। तो यह जो ज्ञान है उसका हमेशा ही संशय पूर्ण होता है, और इसलिए रात्रि उसका उपहास करती है। दे हैव ट्रेस्ड ए जर्नी दैट फोरसीज नो गोल, और उन्होंने उसके लिए एक ऐसी यात्रा निर्धारित कर दी है जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, अर्थात उसका जीवन पूर्णतः उद्देश्यहीन है। इनटू हिज फ्रेजाइल अनडिफेंडेड ब्रेस्ट दे हैव ब्रीथ ए करेज दैट इज मेट बाय डेथ। They have given a wisdom that is mocked by night. They have traced a journey that foresees no goal. अर्थात मनुष्य के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। फिर एक और बहुत सुंदर उपमा दी है मनुष्य के जीवन की। हम कल्पना करें कि जो मनुष्य है एक ऐसे रथ से बंधा हुआ है जिसके पीछे गाजर लटकी हुई है, और वो जो रथ है वो कौन चला रहा है? देव चला रहे हैं। तो मनुष्य जो है उस गाजर के पीछे चलते चलते जहां वो रथ जाता है वो चलता जाता है, अर्थात मनुष्य को कौन चला रहा है? वो देव चला रहे हैं। और किस प्रकार से चला रहे हैं कि उसके सामने उन्होंने एक गाजर लटका दी है, कोई ऐसी आशा लटका दी है, कोई ऐसा सुख लटका दिया है जिसके कारण वो उनके पीछे चलता जाता है। एमलेस मैन टॉयल्स इन एन अनसर्टेन वर्ल्ड लर्ड बाय इनकॉन्स्टेंट पॉजेस ऑफ हिज पेन स्कर्स लाइक ए बीस्ट बाय द इनफिनिट डिजायर
bound to the chariot of the dreadful gods. वो जो मनुष्य है दिशाहीन है, aimless, toils in an uncertain world, जिस जगत में वह श्रम कर रहा है वो अनिश्चित है, उसे नहीं पता कहां जाना है. Lulled by inconstant pauses of his pain, और जो उसको पीड़ा होती है उसमें बीच में जो अंतराल होते हैं उनसे वह विश्राम पाता है. Scourged like a beast by the infinite desire, और वो एक अनंत कामना द्वारा हांके गए पशु के समान है. Bound to the chariot of the dreadful gods, और इन भयानक देवों के रथ से वो बंधा हुआ है. तो इस प्रकार मनुष्य का जीवन है. Aimless man toils in an uncertain world, lulled by inconstant pauses of his pain, scourged like a beast by the infinite desire, bound to the chariot of the dreadful gods. तो देवों के रथ से बंधा हुआ वो उनके पीछे चला जा रहा है. जहां वो ले जाते हैं वो वहां जाता है. और इस प्रकार का चित्रण करने के पश्चात वो सावित्री से पूछते हैं कि यदि ऐसे मनुष्य जीवन के लिए तू जीना चाहती है तो फिर तू धरा पर लौट जा. But if thou still canst hope and still wouldst love, परंतु यदि तू अभी भी आशावान है, तो ये जो सब तुम्हारे सामने मैंने मनुष्य के जीवन की व्याख्या की है, इसके बाद भी अगर तेरे हृदय में कोई आशा शेष है, and still wouldst love, अभी भी तू प्रेम करना चाहती है, return to thy body shell, thy tie to earth, तो तू अपनी देह में लौट जा, जो देह तुझे धरा से बांधती है, and with thy heart's little remnants, try to live, और फिर तेरे हृदय के जो अवशेष हैं उनसे तू जीने का प्रयास कर. But if thou still canst hope and still wouldst love, return to thy body shell, thy tie to earth, and with thy heart's little remnants, try to live. तो इस प्रकार से वो सावित्री को लौट जाने के लिए कहते हैं. Hope not to win back to thee, सत्यवान. तू अपने लिए सत्यवान को जीतने की आशा मत कर. अर्थात सत्यवान तुझे नहीं मिल सकता और तू चाहे तो लौट जा. Hope not to win back to thee, सत्यवान. अब इसके बाद यमराज सावित्री को कुछ उपहार देकर लौटने के लिए कहते हैं. एक बड़ा अच्छा चित्रण है. तो यमराज सावित्री को क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि ये जो तेरी शक्ति है जिसके कारण तू यहां तक आ गई है, ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, और इसलिए तेरे को सांत्वना देने के लिए मैं तुझे कुछ उपहार दे सकता हूं. Yet since thy strength deserves no trivial crown, gifts I can give to soothe thy wounded life. तो कह रहे हैं कि ये जो तेरी शक्ति है जिसके कारण तू यहां तक आ गई है वो कोई साधारण शक्ति नहीं है. सामान्य मनुष्य यहां तक नहीं आ सकता है, और इसलिए कोई साधारण मुकुट साधारण इनाम इसके लिए उचित नहीं है, और मैं तुझे जो तेरी पीड़ा है उसको आराम देने के लिए मैं तुझे कुछ उपहार दे सकता हूं. Yet since thy strength deserves no trivial crown, gifts I can give to soothe
thy wounded life. और क्या है वो गिफ्ट्स? वो सावित्री से कह रहे हैं कि जीवन के मार्ग पर बहुत सारे सुख हैं, उनमें से तू जो चाहे वो ले ले। तो हम कल्पना करें कि हम एक मार्ग पर जा रहे हैं और उस मार्ग के अंत में मृत्यु खड़ी है, तो हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा? कि हम उस मार्ग पर नहीं बढ़ेंगे, हमें भय लगेगा, हम उस पर नहीं आगे जाएंगे। लेकिन फिर क्या होता है, मृत्यु और हमारे बीच में एक समझौता हो जाता है। वो क्या समझौता है? कि इस मार्ग पर दोनों ओर बहुत सुंदर सुंदर फलों के वृक्ष लगे हुए हैं और रास्ते में तुम जो चाहे फल तोड़ लो। और मनुष्य क्या करता है, वो जो रास्ते में मिलने वाले फल हैं उनको तोड़ते हुए आगे बढ़ता जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो एक दिन मृत्यु के समक्ष आ जाता है। तो ये इस प्रकार का हमारा जीवन है और इस प्रकार का हमारा उनसे, मृत्यु से, नियति से एक प्रकार का समझौता है, एक संधि है, उसका वर्णन है। और मृत्यु सावित्री से कहती है, तू चाहे तो इनमें से जो जो फल तुझे चाहिए वो तू ले ले। द पैक्ट्स विच ट्रांजिएंट बींग्स मेक विद फेट एंड द वे साइड स्वीटनेस अर्थ बाउंड हार्ट्स वुड प्लक दीज इफ thy विल accepts मेक फ्रीली thine। कहते जिस प्रकार से मनुष्य नियति से समझौता करके, मनुष्य जो कि धरती से जुड़ा हुआ है, वो रास्ते में मिलने वाले फलों को चुन लेता है, उसी प्रकार यदि तू चाहे तो उनको मुक्त हस्त से तू चुन ले। अर्थात इस जीवन में जितने भी सुख और ऐश्वर्य मिल सकते हैं तू चाहे तो ले ले। The pacts which transient beings make with fate and the wayside sweetness earthbound hearts would pluck, these if thy will accepts make freely thine। तो यदि तुझे स्वीकार हो तो ये जो सुख है, ये जो फल है, तो मुक्त हस्त से उन्हें चुन ले। Choose a life's hopes फॉर thy deceiving price। बहुत गहरी पंक्ति है ये। Choose a life's hopes फॉर thy deceiving price। कहते हैं जो जीवन की आशाएं हैं, जीवन के जो सुख हैं, उनको तू चुन ले। परंतु वो जो सुख हैं, जो पुरस्कार हैं, वो कैसे हैं? Deceiving price, वो धोखा देते हैं। वो क्या धोखा देते हैं? कि वो तुझे मृत्यु की ओर ले जाते हैं। अर्थात वो वस्तुतः कोई पुरस्कार नहीं है, क्योंकि अंत में तो तुझे मृत्यु को प्राप्त होना ही है। तो चूज ए लाइफ्स होप्स फॉर दैट डिसीविंग प्राइस। तो तू चाहे तो जीवन की आशाओं को अपने पुरस्कार के रूप में चुन ले। इन सब बातों के पश्चात सावित्री यम को उत्तर देती हैं और इससे पूर्व सावित्री के मन में एक विचारों की धारा उदित होती है। और वो धारा कहां से आती है? वो किसी दूर नीरवता से प्रकट होती है। ये विचार सावित्री के अंदर से नहीं आ रहे, कहीं बाहर से किसी ज्योतिर्मय क्षेत्र से उसके हृदय में प्रकट हो रहे हैं। As sees the ruthless and tremendous voice, unendingly there rose in Savitri, like moonlight ridges on a shuddering flood, a stir of thoughts out of some silence born,
अक्रॉस द सी ऑफ हर डम फेदमलेस हार्ट। तो जैसे ही ये वाणी समाप्त हो गई, एज सी द रूथलेस एंड ट्रिमेंडस वॉइस, ये वाणी कैसी है, निर्मम है, कोई कंपैशन नहीं है, भीषण है, डराने वाली है। एज सीज द रूथलेस एंड ट्रिमेंडस वॉइस अनएंडिंगली देयर रोज इन सावित्री। तो सावित्री में एक धारा प्रकट होती है विचारों की, कहां से आती है वो, ए स्टर ऑफ थॉट्स आउट ऑफ सम साइलेंस बॉर्न, किसी नीरवता से वो आती हैं, और कहां होते हुए आती हैं, अक्रॉस द सी ऑफ हर डम फेदमलेस हार्ट। तो सावित्री का हृदय कैसा है इस समय, मूक है और एक अथाह समुद्र के समान है, उसमें से होते हुए वो विचारों की धारा आती है, और उसका चित्रण कैसा है, लाइक मूनलाइट रिजेस ऑन ए शटरिंग फ्लड, जैसे किसी कंपित फ्लड पर, किसी ज्वार पर उसके जो शीर्ष है उसके ऊपर चंद्रमा की जो रोशनी है वो चमक रही है एक आशा लिए हुए, तो वो विचार सावित्री के हृदय में प्रकट होते हैं। एज सीज द रूथलेस एंड ट्रिमेंडस वॉइस अनएंडिंगली देयर रोज इन सावित्री लाइक मूनलाइट रिजेस ऑन ए शटरिंग फ्लड, ए स्टर ऑफ थॉट्स आउट ऑफ सम साइलेंस बॉन्ड अक्रॉस द सी ऑफ हर डम फेदमलेस हार्ट। और फिर इसके पश्चात सावित्री उस महारात्रि को उत्तर देती हैं और वह उसका उत्तर सुनती हैं। एट लास्ट शी स्पोक, हर वॉइस वॉज हर्ड बाय नाइट, और महारात्रि उसको सुनती हैं। हम यहीं तक लेंगे, इस सर्ग में हम आगे देखेंगे कि यम सावित्री को वरदान के रूप में सत्यवान के पिता की आंखें और उनका राज्य लौटा देते हैं, परंतु सावित्री फिर भी लौटने के लिए तैयार नहीं होती। यम सावित्री को अनेक प्रकार के तर्क देते हैं और कहते हैं कि मृत्यु ही सर्वशक्तिमान है और उसे ही सभी का वो आदि और अंत भी बताते हैं, और भगवान को एक कपोल कल्पना बताते हैं, और इस प्रकार सावित्री को कहते हैं कि तुम सत्यवान को भूलकर धरा पर वापस लौट जाओ। परंतु सावित्री इस वाणी से विचलित नहीं होती है, वो जानती हैं कि जो मृत्यु के वचन हैं वो केवल आंशिक सत्य हैं, वो तर्क पर आधारित है। एक पंक्ति आती है इसी सर्ग में लगभग अंत में, ओ डेथ हु रीजनेस्ट आई रीजन नॉट, अर्थात जो मृत्यु जो बात कर रही है, जो अभी उसने उसका संवाद हमने सुना, उसका जो आधार है वो तर्क है, परंतु सावित्री जो है तर्क से परे है। ओ डेथ हु रीजनेस्ट आई रीजन नॉट, और सावित्री किस प्रकार से बात करती हैं, सावित्री उस तर्क से परे परम सत्य को जानती हैं, वे जानती हैं कि वे भगवान का अंश हैं, और वो मृत्यु से क्या कहती हैं, आई एम, आई लव, आई सी, आई एक्ट, आई विल, अर्थात उनको अपने अस्तित्व के प्रति कोई भी संशय नहीं है, जबकि तर्क जो है संशय से सदा बंधा हुआ रहता है। सावित्री तर्क से परे जिन्होंने परम सत्य को देखा है वो इस संशय से मुक्त हैं। आई एम, आई लव, आई सी, आई एक्ट, आई विल। और इसी सर्ग में और पंक्तियां आती हैं जिसमें सावित्री किस प्रकार से अपने उद्देश्य के प्रति सचेत हैं उसका वर्णन है। वो जानती हैं कि वो धरा पर क्यों आई हैं।
आई विल बियर विद हिम द एंशियंट मर्डर्स लोड। तो सावित्री मृत्यु से कहती हैं, उस रात्रि से कहती हैं कि मैं सत्यवान के साथ जो आदि माता है उनका भार लेने आई हूं, भार वहन करने आई हूं। आई विल बियर विद हिम द एंशियंट मदर्स लोड। और वो भार क्या है? आई विल फॉलो विद हिम अर्थ पाथ दैट लीड्स टू गॉड। अर्थात ये जो धरती है वो भगवान की ओर जा रही है और मैं सत्यवान के साथ उस मार्ग पर चलूंगी। आई विल फॉलो विद हिम अर्थ पाथ दैट लीड्स टू गॉड। अर्थात वो इस धरा को दिव्य बनाने के लिए आई है और जब तक वे अपना कार्य पूर्ण नहीं कर लेती वो लौटने के लिए तैयार नहीं है। तो इस प्रकार सावित्री यम के सभी तर्कों को और सुझावों को अस्वीकार कर देती हैं और तीनों आगे बढ़ते हुए शाश्वत रात्रि के क्षेत्र को पार कर एक हल्के प्रकाश के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं और अंत में एक बार ओम का उच्चारण करके इसको समाप्त करेंगे। ओ नमस्कार।